सच का इंतजार देश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर कांड में जांच एजेंसी का शिकंजा भी कसने लगा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर यह है, आशीष मिश्रा के दोस्त अंकित दास को 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया है। 14 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक अंकित पुलिस रिमांड में रहेगा। आशीष मिश्रा और अंकित दास को आमने सामने बिठाकर भी 1 घंटे पूछताछ की गई है। सबूत पर सबूत आने शुरू हुए, सियासत तेज हुई, हंगामा तेज हुआ तो नेताजी की अकड़ ढीली पड़ने लगी। यूपी पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। 3 दिन पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई, तो आज उसका दोस्त अंकित दास भी गिरफ्तार हो गया। अंकित दास कोर्ट की पेशी के बाद अब यहाँ पर महाराज का तस्वीर देख रहे हैं आज तक पर किस तरह से। अंकित जी क्या हुआ है, अंकित क्या करेंगे? आशीष देख सकते हैं आप किस तरह से अंकित दास को यहां पर ले जाया जा रहा है, बचाते हुए अंकित दास को यहां से ले जाया जा रहा है। और अब जो हमें पता चल रहा है, यहां से वो सीधे निकल सकते हैं, यहां से वो सीधे जेल की तरफ निकलेंगे। अंकित दास से क्राइम ब्रांच की टीम ने करीब 5 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच की ओर से 14 दिन की रिमांड मांगी गई। क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकलते ही अंकित ने खुद को बेकसूर बताया। मैं निर्दोष हूँ, हम लोग ने कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं करा है, बस हम लोग फ्लीट में थे पीछे, ठीक है, बस बाकी क्या हुआ पूछताछ में, कुछ नहीं, जो उन्होंने पूछा मैं उनको जवाब, मुझे न्यायपालिका बोला। तो ये थे हमारे साथ आज तक पर एक्सक्लूसिव, आपने तस्वीरें देखी अंकित दास की, इन्होंने साफ कहा है कि ये बेकसूर है, इन्होंने कहा ये फॉर्च्यूनर में जरूर थे पर इनकी कोई गलती नहीं थी। आज लखनऊ के घर में पुलिस का नोटिस लगने के कुछ देर बाद ही अंकित दास लखीमपुर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचा। अंकित के साथ गार्ड और उनके वकील थे, जिसके बाद पुलिस ने अंकित पर सवालों की बौछार कर दी। मसलन 3 अक्टूबर को आप कहां थे, उस दिन आप किस गाड़ी में थे, आपकी कौन सी गाड़ी थी, आप उस वक्त वहां क्यों थे, उस दिन आपने क्या देखा, थार ने किसानों को कुचला तो आप क्यों नहीं रुके, आशीष मिश्र उस दिन कहां थे, क्या आशीष मिश्र आपके साथ थे, आखिर किसानों को क्यों कुचला गया। अंकित की तलाश में एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन अंकित का कोई पता नहीं चला था। नौकर और ड्राइवर से पूछताछ के बाद कल अंकित ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की और आज नोटिस मिलते ही पुलिस के सामने आने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। जुडिशियल कस्टडी वाला अलाउ हो गया, 22 तारीख तक के लिए वो जेल भेज दिया गया। 22 अक्टूबर पुलिस कस्टडी को लेकर क्या बात है? पुलिस कस्टडी को लेकर हमने अपोज किया, उन्होंने कहा था कि सीन रिक्रिएशन के लिए हमको इनकी ज़रूरत है, सीन रिक्रिएशन में अंकित दास की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाती है किसी चीज़ की रिकवरी के लिए, रिकवरी और डिस्कवरी के लिए, तो ना कोई रिकवरी होनी है ना कोई डिस्कवरी होनी है। पूरे समाज, पूरे इंटरनेशनल में, पूरे मीडिया में सबको घटनास्थल मालूम है, क्या हुआ सब पता है, तो कोई रिकवरी डिस्कवरी होनी नहीं है, तो पुलिस कस्टडी की कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों की तरफ आप देख सकते हैं कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो कैसे थार के पीछे तूफानी रफ्तार से चल रही थी। उस रोज थार कार किसानों को कुचलते हुए निकल गई, लेकिन पीछे से आ रही दोनों गाड़ियों ने भी रोकने की जहमत नहीं उठाई, वो भी फर्राटे से बिना किसी हिचक के निकल गई। लखीमपुर कांड में अब तक केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के साथ साथ 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अब अंकित दास का नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि अब तक के एक्शन से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। आज एनसीपी नेता शरद पवार ने लखीमपुर खीरी की घटना पर योगी सरकार पर जमकर हमला किया, वहीं राकेश टिकैत ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। आशीष की जो गिरफ्तारी हुई वो तो रेड कार्पेट गिरफ्तारी है, कार्पेट बिछा के गिरफ्तारी है। जब तक अजय टैनी गिरफ्तार नहीं होगा, वो इस्तीफा नहीं देगा, तो पुलिस प्रशासन के लोग भी कुछ नहीं कर सकते। इस पूरे मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है, ऐसे में सवाल जांच पर भी खड़े हो रहे हैं। भले ही दोनों नेता पुत्र पुलिस की हिरासत में आ गए हों, लेकिन अब तक जिस तरह का पुलिस का रवैया इस मामले में रहा है वो सवालों के घेरे में है।
दास को आखिरकार सीजेएम कोर्ट में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। अब पुलिस ने भी एक तरह से पुलिस रिमांड में लेने के लिए अर्जी डाल दी है और कल इस पर डिसीजन हो सकता है। बड़ी बात यह अंकित दास ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि वो वहां पर घटनास्थल पर उस दिन मौजूद जरूर थे पर उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। आशीष मिश्रा के सवाल पर भी अंकित दास ने सर हिलाया। हालांकि पुलिस की तरफ से पेशकश की गई है, कहा गया है कोर्ट में कि पुलिस को सीन रिक्रिएट करना है उस स्पॉट पर तिकुनिया पर जहां पर यह इंसिडेंट हुआ था और इसकी वजह से पुलिस रिमांड की बात कर रही है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक।